नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम लेके आती है जिससे गरीबों की हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उन गरीब लोगों को जो जो अपने घरों में अपने लड़कियों की शादियाँ करने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बेसिकली मैं बात करूँगा आज उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जो ये स्कीम है, उत्तर प्रदेश की स्कीम है और ऐसी तमाम स्कीमें जो अन्य स्टेट्स में भी अप्लाई होती हैं। तो आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है शादियों को लेकर। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश में जो स्कीम चल रही है उसके बारे में। तो आपको कुछ करना नहीं, अपने सर्च इंजन में जाना है, गूगल सर्च इंजन में, वहाँ पे जाकर क्लिक करना है समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप यूपी में हैं तो आप समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, जैसे आप जिस भी स्टेट में, उस स्टेट में आपको बस आगे लिखना है समाज कल्याण विभाग, इसके बाद अपने स्टेट का नाम। तो वहाँ पे जितने भी स्कीम गवर्नमेंट्स की होगी सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस केस में मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तमाम सारी स्कीम्स है जो कि एक ही पोर्टल में दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देखें, देखिए यहाँ पे विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता, ठीक है, यही वो लिंक है जिसपे क्लिक करके आप गवर्नमेंट के जो विवाह संबंधित अनुदान है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म कैसे भरें उसके उससे पहले कुछ दिशा निर्देश है जिसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नया पंजीकरण, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे आप सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से लिंक चूज कीजिए और आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आवेदन शुरू करने से पहले इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं जिसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आवेदन पत्र की स्थिति, इसको छोड़ते हैं, आवेदन पत्र प्रिंट करें, ये सब अभी। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं शासनादेश है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश है आपको दिया गया है फॉर्म भरने से पहले, और यहाँ पे जो लिखा है आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, तो यहाँ पे भी कुछ निर्देश हैं। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे क्लिक करके दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस अपने केस में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के दिशा निर्देश को पढ़ना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर मिल जाएगी। मैं उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस पीडीएफ फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये मेरी पीडीएफ फाइल है जो मैंने पहले डाउनलोड की कर रखी है, और इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सभी प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में भरी जाएंगी, मतलब आप जो भी आवेदन भरेंगे पूरी पूरी इंग्लिश में होगी। तो दोस्तों, ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी आवेदन है आवेदन कर रहा है उसका फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, पहचान पत्र, ठीक है, बैंक पासबुक, ये सब विवाह प्रमाण पत्र, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इस सब की ज़रूरत वहाँ पे होगी होगी। इसके बाद आपका जो फोटो होगा वो जेपीजी फाइल में होगा और 20 KB से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र केवल पीडीएफ फाइल जो कि 40 KB से ज़्यादा ना हो उसमें अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पॉइंट जो है कि जैसे आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उस फॉर्म की एक फोटोकॉपी निकलवा के आपको 30 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग विभाग अधिकारी कल्याण में जाके जमा कराना होगा, तभी आपका जो आवेदन है वो मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो आवेदक है उसकी आय गरीबी रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कि अगर वो शहर में रह रहा है तो उसका 56,460 रुपये प्रतिवर्ष का इनकम होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और जो गाँव में रह रहा है उसका इनकम प्रतिवर्ष 46,080 रुपये या उससे कम होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो पाएगा। और दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा या समाजवादी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आय प्रमाण पत्र की जगह भर देना पड़ेगा, तो भी वो मान्य हो जाएगा। और दोस्तों, जो आपकी पुत्री है उसकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए, और जो वर है उसका आयु 21 या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी ये
आवेदन मान्य होगा और एक परिवार के मैक्सिमम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान मिलेगा, इसके बाद किसी को भी नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये कुछ दिशा निर्देश थे फॉर्म को भरने से पहले। इसके अलावा कुछ शासनादेश हैं, देखते हैं शासनादेश में क्या लिखा हुआ। तो जो यहाँ पे शासनादेश लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी दो कैटेगरी, सामान्य अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो जैसे मैं अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर चल रहा हूँ, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ये लिंक है इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो फिर मुझे एक PDF फाइल मिल जाएगी जिसमें कुछ शासनादेश दिया हुआ है। तो शासनादेश काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देना चाहता हूँ उसमें क्या क्या है। तो उसको मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं आपको दिखा दूँ क्या है उसमें भी। तो देख रहे हैं शासनादेश दिया हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। बहुत बड़ा ये PDF फाइल है, इसलिए आप इसको आके पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने शासनादेश देख लिया, हमने दिशा निर्देश देख लिया, हमको समझ में आ गया कि हमको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। अब क्या करना है कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पे आप जाकर क्लिक कर दीजिए। अपने केस में अन्य पिछड़ा वर्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया विंडो खुल के दिख जाएगा जो कि इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ विवाह है तो अनुदान लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शासन। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, वहाँ पे इस टाइप से अगर उस स्कीम होगी तो वहाँ पे भी अलग अलग यहाँ पे जो आपका स्टेट्स का नाम दिख जाएगा, ठीक है। देखिए आवेदन का विवरण जिसमें आपके पुत्र की शादी की तिथि, जिसमें आप पुत्री की शादी की तिथि भरेंगे, जनपद भरेंगे, शहरी क्षेत्र, तहसील, ठीक है। आवेदन का फोटो अपलोड करें, पुत्री का फोटो अपलोड करें, यहाँ पे आवेदक का नाम, पुत्री का नाम। आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, आप इसको देख के भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे आप भरेंगे, फिलअप करेंगे, वो सब इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाति, जाति प्रमाण पत्र की संख्या, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, आवेदक के पिता पति का नाम। इसके बाद दोस्तों ये जो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शादी का विवरण भरना है, वर का नाम क्या है, वर का पूरा पता क्या है, पुत्री की जन्मतिथि क्या है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जो स्टार है दिख रहा है रेड कलर का स्टार, या ये जहाँ पे भी दिखे वो चीज़ भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपलसरी होता है, इसके बिना फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पुत्री की उम्र सत्यापित के लिए प्रमाण पत्र फोटो कॉपी को अपलोड करें। तो यहाँ से आप उम्र के लिए एक प्रमाण पत्र बनाएंगे, उसको यहाँ से अपलोड करना है। और ध्यान रखें कि 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने भी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे फोटोज़, और JPEG के फाइल में होनी चाहिए। यहाँ पे वार्षिक आय का विवरण होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपने वार्षिक आय का विवरण दे दीजिएगा। अगर आप वृद्धावस्था पेंशनर हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, विधवा पेंशनर के लिए यहाँ समाजवादी विकलांग BPL नहीं तो नहीं। यहाँ पे अगर आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपना आय प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ बैंक का विवरण है, बैंक का विवरण यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से चूज करना पड़ेगा बैंक, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैंक है उन्हीं बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट होता है तो आपकी पात्रता को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप अपने अकाउंट को देख लीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट को देख लीजिए कि इस बैंक में आपका अकाउंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको इस बैंक में किसी एक बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बैंक का शाखा चूज कर लीजिए, IFSC कोड, खाता संख्या, पासबुक, यहाँ पे बैंक का जो पासबुक होता है उसका फोटो कॉपी अपलोड करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्लिक करके, इस कैप्चा को भर के आप इस पर जमा कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप जमा करने पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि उस फॉर्म की फ़ोटो कॉपी निकलवानी है। फोटो कॉपी निकलवा के आपको 30 दिन के अंदर अपने जनपद के जो समाज कल्याण विभाग की ऑफिस है वहाँ पे जाके सबमिट करा देना है। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो भी बैंक का अकाउंट है उस पे विवाह है तो अनुदान के लिए कुछ पैसे गवर्नमेंट द्वारा आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि सबके जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी पता चल सके कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है विवाह हेतु अनुदान को लेके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।